वरना कानून की कसम मैं छोड़ूंगा नहीं। मोटू शाबाश शाबाश मोटू, देखो एक और पतंग साइड से आ रही है, वहाँ भी जल्दी पेंच लगाओ। बड़े भैया आपकी पतंग भी काट दी। उड़ी बाबा, हम अपना बिसल के तजुर्बे में ऐसा पतंगबाजी को भी नहीं देखा। चलते गजान, आज काटूंगा मोटू की पतंग, मुझे रोकेगा कौन? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता को छोड़ो, कविता को छोड़ो, और मैं मोटू की पतंग जब भी काटू तभी लूट लो। अरे जॉन, तुम सिर्फ चोरियां ही करो, पतंग वतंग उड़ाना तुम्हारे बस का काम नहीं। मोटू पतलू की पतंग काटने के लिए मुझे वायरस साइंटिस्ट की हेल्प लेनी होगी। अरे इस बार मेरी पतंग काट दी। ए छोटू, वो बहुत ही तेज पतंगबाज लगता है। चलो मोटू मामू के पास, उनसे ही इसकी पतंग कटवाऊंगा। तुम देखना, मोटू मामू से अच्छा पतंगबाज दुनिया में कोई नहीं है। मोटू मामू, कोई मेरी पतंग बार बार काट रहा है। वही जो समोसे वाली पतंग उड़ा रहा है। क्या मामू, आप ही काट रहे हो बार बार मेरी पतंग? मैं नहीं मिला था आपको। अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी पतंग थी। सॉरी। अरे तुम कहाँ चले पतलू? अब शुरू होता है आज का असली कंपटीशन। देखते हैं आज का ये कंपटीशन कौन जीतता है। लड़ाते हैं। एक बार पतंग कटवा चुके हो, अगर फिर से कटवाना है तो आ जाओ। मोटू की पतंग कट गई, जॉन को मिलता है एक बार। ए छोटू, तुम तो बोल रहे थे कि मेरे मामू बहुत अच्छे पतंगबाज हैं। देखो देखो, उनकी भी पतंग कट गई। क्या मामू, आपकी पतंग कट गई? मेरे दोस्त मुझे चिढ़ा रहे हैं। अरे बेटा, तुमने देखा नहीं कि बीच में दो तीन चिड़िया आ गई थी? अगर मैं पतंग को खींचता तो एक न एक चिड़िया के पंख में जरूर लगता और वो बेचारी गिर जाती। हमें पतंग जरूर उड़ानी चाहिए, लेकिन ऐसे कि चिड़ियों को और ना ही इंसानों को चोट ना लगे। हाँ मामू, आप ये बात ठीक बोल रहे हो। चलो फिर पतंग उड़ाते हैं और जॉन अंकल की पतंग को काट देते हैं। अरे फिर से चिड़िया आ गई। रास्ते से डोर हटानी पड़ेगी वरना चिड़ियों को चोट लग जाएगी। अरे पतलू, ये क्या हो रहा है? ये बर्ड्स बार बार कहाँ से आ रही है? अरे मुझे कुछ दिखे तो ना बताओ। अरे बड़े भैया चिंगम सर, आप तो पतलू को निकालो। अरे हम भी पसे हैं। और ये मोटू के पतंग कट गई, जॉन को मिलता है फिर से एक पॉइंट। चिका
अपनी इज्जत का सवाल है। कुछ तो गड़बड़ है पतलू, तुम कुछ सोचो, सोचो ना। एक ही साइज की एक ही रंग के तीन तीन चिड़िया बार बार कहाँ से आ जाती है? आइडिया। पतलू, मैं कुछ समोसे खा के आता हूँ, तब तक तुम जॉन की पतंग काटो। अरे माँ, मैं भी आता हूँ। जाओ जाओ समोसे खाओ, मेरी पतंग कोई नहीं काट सकता। ये तो वही चिड़िया है। अच्छा, तो ये रोबोटिक बर्ड्स उड़ा के मेरी पतंग कटवा रहे हैं, अब नहीं छोड़ूंगा। अरे माँ, द नेम इज स्टिंगमा, मोटू, अब मैं भी इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बार चिड़िया नहीं उड़ेगी, मैं पहले ही उड़ जाता हूँ। बस उड़ाओ जल्दी, इस बार चिड़िया नहीं, तुम्हारा चमचा उड़ के आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये? जब तक मेरे नुकसान के पैसे नहीं दोगे तब तक यहीं रहोगे। अरे भाई, मेरी गलती नहीं है। अरे मुझे उठा। नहीं, अभी बैठे रहो। अब होगा ईमानदारी का मुकाबला। चलो अब पतंग उड़ाओ, अब कोई चिड़िया नहीं उड़ेगी। मामू, अब ये चिड़िया और रिमोट मेरे पास है। जॉन आ जाओ, बहुत बड़े पतंगबाज बनते हो ना, अब देखते हैं कौन किसकी पतंग काटता है। मामू, अब मेरे दोस्त को दिखा दो कि आप कितनी अच्छी पतंग उड़ा सकते हो। अभी लो छोटू। और ये ली, मोटू ने एक और पॉइंट के साथ पढ़ा। देखा, मेरे मोटू मामू कितनी अच्छी पतंग उड़ाते हैं। बॉस बॉस, आज तो बहुत बेइज्जती हो गई। मैं इस मोटू को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जॉन, पतंग बाजी तो खत्म हो गई, अब तुम्हारी बारी है। मेरी बारी? मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने चीटिंग करके मामू की कई पतंग काटी, उस चीटिंग की सजा तो मिली ही नहीं। ये ले 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 ले। बाबू, तुम मेरा क्या करोगे? अभी दिखाता हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या करने वाले हो? सिंगम सर, हेल्प! आम जनता की मदद करना आपका फर्ज है। डू योर ड्यूटी प्लीज, हेल्प सिंगम सर। Ha!
मैडम सर, जॉन चोरी करके भाग रहा है। आपने जॉन को पकड़ा क्यों नहीं? अरे मोटू, क्यों परेशान हो रहे हो? आखिर कब तक चोरी करेगा जॉन? जब थक जाएगा तो बंद कर देगा। चिंगम सर, आप बदल चुके हो। आप जॉन से मिल गए हो। आप देशद्रोही हो गए हो। मोटू रुको। चिंगम सर, आपने जॉन को पकड़ा क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं पकड़ा, ये बात बाद में करते हैं। पहले मोटू को संभालो। मोटू रुको, रुको मोटू, मोटू, मोटू बदलो, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, मैं एक देशद्रोही की बात नहीं सुनूंगा। मेरा दोस्त चोर से मिल चुका है, मैं नहीं सुनूंगा। पतलू पतलू जाओ, उस इमोशनल आदमी को पकड़ के लाओ। मोटू रुको, डॉक्टर जटका, मोटू को समझाओ। बेमतलब में रोता हुआ इधर उधर इधर घूम रहा है। नहीं बड़े भैया नहीं, चिंगम सर बेईमान हो चुके हैं, देशद्रोही हो गए हैं। ये जॉन के साथ मिल चुके हैं। कितना कमीशन देता है जॉन आपको बताओ? ओ मेरे पाए मेरे यार मोटू, अगर जॉन चोरी कर रहा है तो उसे करने दो ना। आप भी मिले हुए हो। बुढ़ी बाबा, अरे मोटू, दरअसल बात यह है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है चोर मंडली। अरे उनकी बात तो सुन लेते मोटू। चोर मंडली की कोई बात नहीं सुनूंगा। मेरे सब दोस्त चोर के साथी हो गए हैं। मोटू रुको। चक्कर में मेरी कार भी टूट गई। मोटू मेरी बात सुनो। लीजिए बॉस, सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप का सोना चांदी हीरे मोती। अरे सोना चांदी के बदले पत्थर देते हो? मुझे सिर्फ सोना चांदी चाहिए। अगर मुझे सोना नहीं मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नंबर वन, नंबर टू बताओ, सोना चांदी कहाँ गया? हम कैसे बताएं बॉस, बैग तो आपके पास था। अरे हाँ, बैग तो मेरे पास ही था। फिर बॉस, जब बैग आपके हाथ में था और बैग से सोना बदल गया तो गलती किसकी हुई? आपकी। तो पिटाई किसकी होनी चाहिए? मेरी, बिल्कुल मेरी। तो चलिए बैग के अंदर। ये गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट, तुम तीनों में से ही किसी ने गड़बड़ी की है। हाँ ये तो है, पर किसकी है ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। चलो तुम दोनों अभी अंदर। मेरे दोस्त चोर हो चुके हैं। मेरे दोस्त चोर मर गए रे। मोटू मेरे भाई, मेरी यार, सुनो मेरी बात तो सुनो। ओ मेरे भाई मेरी यार, मैंने एक नई गन का आविष्कार किया है। ये गोल्ड स्टोन गन है। गोल्ड स्टोन गन?
वाह बड़े भैया, अगर इससे पहाड़ पे स्प्रे कर दे तो पूरा पहाड़ सोने का बन जाएगा। हाँ मोटू मेरे पै मेरी यार, एक एग्जांपल देखो। नंबर वन नंबर टू, ये तो बड़े कमाल की चीज है। एंड बाय एवरीबॉडी। यार ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, अब क्या करें? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जॉन द डॉन का कमाल दिखाने। लो बस, कितना सोना चाहिए? अरे ये पूरा पत्थर का पहाड़ सोने का बन गया। अब तो ये पूरा पहाड़ हमारा हो गया। अब तो पूरा पहाड़ खोद खोद कर बेच देंगे और करोड़पति हो जाएंगे। नंबर वन, ये सारे पहाड़ जो सोने का बन गया है, इसमें अपना अपना हिस्सा मांग लो। एक तुम्हारा, एक नंबर टू का और एक जॉन का। बॉस बॉस, हम ना तीन हिस्से कर लेते हैं, एक आपका, एक मेरा और एक नंबर टू का। हाँ बॉस, हाँ मेरा हिस्सा भी चाहिए। आखिर देता हूँ तुम लोगों का हिस्सा, इधर आओ। अरे रुक जाओ रुक जाओ, तुम सब लड़ क्यों रहे हो? हम पहाड़ खोदते जाएंगे, बेचते जाएंगे। पहाड़ के बीचों बीच खोदना, क्योंकि वो पहाड़ बहुत सॉफ्ट है। बॉस बॉस, ये बीच वाला जो स्पॉट है ना, ये सॉफ्ट है। मैं तो कहता हूँ यही खोदते हैं। उड़ी बाबा, इस तरह तो जॉन पूरा पहाड़ खोद के करोड़पति बन जाएगा। मेरे भाई मेरी यार, अगर उससे मेरी गन किसी तरह वापस ला दो तो मैं पूरे पहाड़ को फिर से पत्थर का बना दूंगा। यारी इतना बड़ा पहरा लगा है कि मैं उनके पास जाऊं तो जाऊं कैसे? पतलू कुछ सोचो ना। आइडिया। मेरे दोस्त जॉन के साथ मिल चुके हैं। जॉन से कमीशन खाते हैं रे। अरे अब क्या हो? क्यों रो रहे हो? मेरे दोस्त तुमसे मिल गए हैं, वो तुमसे कमीशन लेना चाहते हैं। तो कमीशन तुम ही लो ना? देखो पूरा का पूरा पहाड़ हमारा है, तुम भी ले लो। मुझे तो तुम लोग चाहिए। हम लोग चाहिए? हम लोग से क्या मतलब है? ये मतलब है, तूने मुझे उल्लू बना दिया। हम तो करोड़पति बन के कंगालपति हो गए। जॉन एंड जॉन के डॉन जोनाथन डॉन, तुम लोगों ने लाख बुरे काम किए लेकिन एक अच्छा काम कर दिया। देखो पहाड़ खोद के उसके बीच से रोड बना दी। अब यहाँ से कमलपुर का शॉर्टकट तैयार हो गया। इसलिए मैंने नंबर वन को फोन करके बोला था कि पहाड़ के बीच में खोदो। तुम लोग हम जैसे भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हो। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते।
करेंगे। भोले भाले और तुम लोग। बूढ़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा भोला भाला पहली बार देखे। मामूनी। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।